देखो यहाँ मुझे मालूम है, सब जानते हैं, शास्त्र कहते हैं यहाँ हर स्थान पर देवता रहते हैं और देवताओं की योनि बड़ी अद्भुत योनि होती है, लेकिन अच्छा चलो मैं आपसे पूछूं एक बात, बताओ देव योनि बड़ी है कि मनुष्य योनि बड़ी है? सोच समझ के जवाब देना, क्योंकि ये प्रश्न वैसा ही है कि मुर्गी पहले आई के अंडा, जो कहोगे उसी में फंसोगे। बताओ मानव योनि ज्यादा महत्वपूर्ण है या देव योनि? मानव योनि पक्का, पर देवताओं का भजन क्यों करते हो? स्वर्ग प्राप्ति क्यों, मृत्यु के बाद स्वर्गीय फलाने फलाने क्यों? अच्छा चलो एक दृष्टांत से समझो। एक राजा जी ने अपने राज्य में घोषणा कर दी कि कल सब हमारा जन्मदिन है तो सब आ जाना, प्रजा के लोग हम कुछ देना चाहते हैं सबको। तो पूरी प्रजा इकट्ठी हो गई, राजा जी का जन्मदिन, खूब बढ़िया माल मिलेगा। तो राजा जी ने कहा कि आज हम बड़े प्रसन्न हैं दिल से, आज हमारा जन्म हुआ है तो हम एक चीज करना चाहते हैं, हमारे पास थोड़ी सी तो चांदी है और थोड़ी सी हमारे पास लोहा है, तो जिसको चांदी चाहिए सो चांदी ले जाओ और जिसको लोहा चाहिए सो लोहा ले जाओ। अब ये मौका हमें मिल जाए तो क्या लेंगे, चांदी की लोहा क्या लेंगे? चांदी लेंगे। चांदी पर जब टूट पड़े और देखते ही देखते सबरी चांदी खत्म, बच गया लोहा ही लोहा। तो जो बच गए लोग, उन्होंने सोचा चलो कुछ ना से तो यही सही, जो मिल जाए सो याद पड़ा, लोहा ही ले लेते, सो लोहा इकट्ठा करके घर ले गए। अब बताओ फायदे में लोहे वाले हैं कि चांदी वाले हैं? घबराओ नहीं, बोलते जाओ, जो पूछो। लोहे वाले ज्यादा, मतलब लोहे की वैल्यू ज्यादा है कि चांदी की? तो फायदे में कौन से रहे, चांदी वाले कि लोहे वाले? कैसे? मैया तो भाव में बह गई ज्यादा। मैया लॉजिकल आंसर दो, देखो जो लॉजिक है वो दो। चांदी की वैल्यू ज्यादा है ना लोहे से, तो चांदी वाले ज्यादा फायदे में रहे। पर अब आता है ट्विस्ट, और ट्विस्ट क्या है, अगले दिन राजा जी ने फिर घोषणा करी, और घोषणा में क्या बोले राजा जी, बोले भैया हमको अभी अभी एक स्थान से, खजाने से एक पारसमणि मिल गई है, और पारसमणि क्या करती है, लोहे को सोना बना देती है। तो राजा जी ने कहा हमको पारसमणि मिली है, इसलिए जाजा के पास भी लोहा हो सो लेके आ जाओ और हम उसको सोना बना दें। अब बताओ चांदी वाले फायदे में कि लोहे वाले? लोहे वाले। अब इसी से समझ लो, मानव शरीर लोहा है, देव शरीर चांदी है, चांदी ज्यादा महत्वपूर्ण है लोहे से, देव योनि मानव योनि से ज्यादा श्रेष्ठ है, देवताओं के पास शक्ति है, देवताओं के पास बल है, सब कुछ है, लेकिन जैसे पारसमणि मिली और पारसमणि मिलते ही लोहे को सोना बना दिया, वैसे ही देव योनि मानव योनि से श्रेष्ठ थी, लेकिन जैसे हमें श्रीमद् भागवत रूपी पारसमणि मिली और इस सत्संग से हम जैसे संपर्क में आए, वैसे ही हमारी जो वैल्यू है वो चांदी से बढ़ के सोना बने, यानी हम मानव योनि श्रेष्ठ हो गई। अब देवता भगवान से मांग रहे हैं, हे प्रभो अहो अमीशाम किम कारि शोभनम, प्रसन्न एशाम स्वदित स्वयं हरि, यैर जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे। देवता मांग रहे हैं कि हमें मानव बना दो, और मानव भी हमें कोई अमेरिका लंदन में मत बनाना, भारताजिरे भारत भूमि के किसी कोने में हे प्रभु हमें मनुष्य बना दो। ये कौन मांग रहे? देवता मांग रहे हैं, देवगण कह रहे हैं प्रभु हमें मानव बना दो। क्या करोगे मानव बन के? देव योनि में तो सुख है, व्यवस्थाएं सब है, लेकिन भजन नहीं है, भक्ति तो केवल मानव योनि में ही किया जा सकता है। इतना बड़ा मानव शरीर, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु,
मोही कृपा करी दीनो, हरी तुम बहुत अनुग्रह कीनो। इसलिए आप हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े भाग्यवान हैं कि भगवान ने हमको ये मानव शरीर दे दिया है।